नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेकअप नो मेकअप लुक। बहुत ही कम प्रोडक्ट्स के साथ आज मैं इस लुक को करने जा रही हूँ। प्लीज वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल बटन ऐसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो अभी आप जैसे कि जानते ही हैं कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और गर्मियों में बहुत ज्यादा मेकअप करना काफी लोगों को पसंद नहीं होता है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे भी गर्मी में बहुत ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो मेकअप होता है वो तो पसीने में ही निकल जाता है। और काफी सारे मेकअप लुक भी आपने देखे होंगे, वाटरप्रूफ मेकअप लुक मेरे चैनल पर भी ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। एक बार वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं कि आप बहुत ही कम मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ कैसे मेकअप कर सकते हो और बहुत ही अच्छा मेकअप कर सकते हो। बहुत ही ग्लोई दिखेगा आपका मेकअप और स्किन भी काफी अच्छी लगेगी और इससे आपको पसीना भी कम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हो मेरे हाथ में है ये कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स। इसमें लिपस्टिक है, कॉम्पैक्ट पाउडर है और ये कुछ आप सामान देख रहे हो। तो इन्हीं बस कुछ सामान की हेल्प से मैं आज ये मेकअप लुक करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आपके पास सेम मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपको पसंद हो और जो भी आपकी स्किन के हिसाब से हो, उन मेकअप प्रोडक्ट्स को आप यूज कर सकते हो। साथ में कुछ आपको हेल्पफुल टिप्स भी देना चाहूंगी दोस्तों यहाँ पर, कि अगर आप चाहते हैं गर्मियों में जब भी आप मेकअप करें तो आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बना रहे और जल्दी से पसीना ना आए आपके फेस पर, तो इसके लिए आपको क्या करना है चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लेनी है एक आइस क्यूब, ये आप देख सकते हो। इसे आपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है कुछ इस तरह से। और आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, कि अगर आप कोई भी मेकअप करने से पहले अपने फेस पर आइस क्यूब लगाते हैं तो आपको पसीना कम आता है और बहुत देर में आता है, जल्दी जल्दी पसीना नहीं आता है। तो इसलिए आइस क्यूब को अपने फेस पर अप्लाई जरूर करें गर्मियों में मेकअप करने से पहले। तो ये देखिए, मैंने पूरे फेस पर आइस लगा ली है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम गर्मियों में कोई भी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाते हैं तो हमारे फेस पर बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है, यानी कि पसीना आने लगता है। और काफी लोगों को ये चीज पसंद नहीं होती कि वो बीबी क्रीम या सीसी क्रीम लगाए। तो आज की इस वीडियो में मैं कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, कोई भी फाउंडेशन या कोई भी किसी भी तरह की क्रीम अप्लाई नहीं करूंगी अपने फेस पर। तो यहां पर मैं मॉइस्चराइजर लगा चुकी हूं अपने फेस पर और अब मैं अप्लाई करूंगी कंसीलर। आपको जहां भी डार्क सर्कल्स है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और या फिर आपको कहीं पर डार्क स्पॉट बहुत ज्यादा है या पिंपल्स के, एक्ने के डार्क स्पॉट है, तो आप ऐसी जगह पर कंसीलर या कलर करेक्टर का यूज कर सकते हो। मैं यहां पर ले रही हूं हुडा प्रो कंसीलर HD हाई डेफिनेशन कंसीलर, जो कि एक तरह से कलर करेक्टर का भी काम करेगा। तो मैं इसे लगा लूंगी। और आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लगाना है। क्या होता है कि ब्रश में जब आप इसे प्रेस करते हो तो ब्रश में काफी बार बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ जाता है, तो आप ऐसे में फिंगर की हेल्प से इसे लेकर थोड़ा थोड़ा अप्लाई कीजिए जहां पर भी आपको पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है और डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है। और आप इसे फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लीजिए। तो आप देख सकते हो मेरे जो भी हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स थे और डार्क स्पॉट थे वो हाइड हो गए हैं। और यहां पर भी मुझे एक दो डार्क स्पॉट है, यहां पर भी मैं लगा लेती हूं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसे डार्क स्पॉट पर भी लगा लिया है और अच्छे से ब्लेंड भी कर लिया है। और अब मैं लगा लूंगी पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर। आपके पास जो भी कॉम्पैक्ट पाउडर हो वो आप लगा सकते हो, बहुत ही लिटिल अमाउंट में आपने लगाना है, सिर्फ इसे थोड़ा सा प्रेस करने के लिए। तो ये देखिए, मैंने लगा लिया है कॉम्पैक्ट पाउडर। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कलर करेक्टर या कंसीलर लगाते हैं बहुत ही थोड़े से अमाउंट में आपने लगानी है, बहुत ही लिटिल अमाउंट में लगानी है, बहुत ज्यादा नहीं लगानी है। तो यहां पर मैं लगा चुकी हूं, आप देख सकते हो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने कंसीलर को सेट भी कर लिया है। नेक्स्ट मैं यहां पर लगाने जा रही हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, बहुत ही ज्यादा खास है गर्मियों के लिए, तो खास तौर से चाहे आप कोई मेकअप करिए या ना करिए। ये ले रही हूं मैं यहां पर सनस्क्रीन। जी हां, आपने सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करना है चाहे आप मेकअप लगाइए या ना लगाइए। इसके बाद मैं यहां पर लगा रही हूं सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन को आप जब भी लगाते हैं तो आपने इस तरीके से रगड़ना नहीं है, तो आपने बस इसे लगाकर छोड़ देना है कुछ सेकंड के लिए, बस हल्के हाथों से डैप टैप करते हुए लगाना है इसे। तो यहां पर मैंने सनस्क्रीन को लगा लिया है, आप देख सकते हो, और बहुत ही अच्छी ग्लो भी आ गई है स्किन में, ये देखिए। इसके बाद मैं लगा रही हूं यहां पर पर्पल का कॉम्पैक्ट पाउडर। आपने इस तरीके से प्रेस करते हुए लगाना है।
और समर्स में अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा ज्यादा भी लगाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को समर्स में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, खासतौर से आपके टी जोन एरिया में जिनको स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो वो इस एरिया पर ज्यादा कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं। इसके बाद मैं बस थोड़ा सा अपनी आईब्रोज को सेट कर लेती हूँ, क्योंकि जिनके आईब्रोज में बहुत ज्यादा गैप होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप है और इस एरिया में भी गैप है मेरी आईब्रोज में, और वैसे भी हल्के हाथों से आपने फिल करना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं दिखाना है अपनी आईब्रोज को। तो देखिए मैंने अपने आईब्रोज को सेट कर लिया है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ पर हाईलाइटर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, मुझे पसंद है तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप हाईलाइटर लगाएं और वो भी बहुत ही कम अमाउंट में और जो कि बिल्कुल नेचुरल भी दिखे, तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। जब भी आप हाईलाइटर को लगाएं, अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है, खासतौर से इस तरह के मेकअप नो मेकअप लुक में, तो आप स्मॉल ब्रश लीजिए इस तरीके से, और ये हाइलाइटर है, यहाँ पर मैं एक पिंक कलर का शेड लगा रही हूँ, और जस्ट बस आपने इस तरीके से लेना है और इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना है। दोबारा आपने नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दैट्स इट। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में हाइलाइटर को लगाया है, और इस तरीके से अगर आप हाइलाइटर को लगाते हैं ना तो बहुत ही नेचुरल दिखता है, ये आप देख सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक ट्रिक है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मस्कारा, और मैं यहाँ पर मेबलिन का मस्कारा लगा रही हूँ। और मस्कारा का आपने एक ही कोट लगाना है, एक से दो कोट काफी होंगे, बहुत ज्यादा मत लगाइएगा। तो यहाँ पर मैंने मस्कारा को भी अप्लाई कर लिया है, और अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक का कलर आप अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हो, मुझे जो यहाँ पर शेड पसंद है मैं वही अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी शेड अप्लाई कर सकते हो। समय यहाँ पर लगा रही हूँ किस ब्यूटी की ये लिक्विड लिपस्टिक, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी लिक्विड लिपस्टिक काफी कामयाब रहती है और पसीने में निकलती भी नहीं है जल्दी से। और लिक्विड लिपस्टिक का भी मैंने सिंगल कोट ही अप्लाई किया है, आप देख सकते हो। सो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। सो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप नो मेकअप लुक, मेकअप नो मेकअप लुक कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा आज का ये लुक कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी, मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।